हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ तीन चीज़ों के लिए। पहली चीज़ ये कि आप लोगों की इतने अच्छे मतलब सपोर्ट की वजह से मेरे 100+ जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी 1000+ नहीं हुए हैं, बट अगर आप लोग इसी तरह से ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो जल्दी से 1000+ भी हो जाएंगे, वो वाला टास्क भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला थैंक यू इसलिए था। एंड दूसरा थैंक यू इसलिए कि जब भी मैं कियान की कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप सब उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। मैंने जब से अपना यूट्यूब स्टार्ट किया चैनल, तब से मेरी किसी भी पर्टिकुलर किसी एक वीडियो पे ऐसे तो बहुत सारे व्यूज़ हो चुके हैं, मतलब काफ़ी व्यूज़ हो चुके हैं अब तक तो, शायद 1000+ के आसपास हो चुके होंगे टोटल। अगर व्यूज़ में काउंट करूँ, मैंने अभी तक करे नहीं, आई थिंक बहुत हो गए होंगे, बट किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पर अभी तक 500 व्यूज़ नहीं आए थे। बट जो मैंने कियान की एक वो फिश वाली वीडियो डाली थी ना, जिसमें वो फिशी को फीड करा रहा था, वो उसको कह रहा था दूध पीने के लिए अपनी बॉटल से, फिश जो एक्वेरियम में थी, तो उस वाली वीडियो को मैंने रात में अपलोड किया और सुबह ही उस पर 462 व्यूज़ आ चुके थे। एंड उसके बाद में उसे नेक्स्ट डे उसके 500 व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके थे, 500+ ही हैं अब उसके वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ वाली वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो ये मतलब वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 500 व्यूज़ आना इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, बट जो न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पर 500 व्यूज़ आना हम लोग के लिए कितनी अच्छी बात होती है कि हाँ हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। जहाँ आपके 80-100 इस तरह से आते हों व्यूज़ और एकदम से आपको 500 1-2 डेज में आ जाए अगर व्यूज़, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, कियान को इतना सारा प्यार करने के लिए। आगे भी आप उसको खूब सारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। और थर्ड जो मुझे थैंक यू कहना था वो इसलिए कि जो अभी मैंने लास्ट अपनी सिंगिंग वीडियो डाली थी वो आप सबको बहुत अच्छी लगी, आप सबने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है, मैं आज जो रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर का रिव्यू करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब मेरी एक छोटी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, आकांक्षा नाम है उसका, तो उसने मुझे कहा था कि आप उसका भी प्राइमर का भी रिव्यू वीडियो कीजिए जो आप यूज़ करती हैं। सो मैंने इसलिए ये मैं रिव्यू जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। सो चलिए आप प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ हमें इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाता है, ब्लैक कलर की, पीछे इसके सारा लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह कि ये किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये, तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर और ये है ब्लर परफेक्ट प्राइमर, ठीक है? ये लैक्मे के दो आते हैं, सेम यही ऐसा ही पैकेजिंग होती है, ऐसा ही ट्यूब होता है, ब्लैक कलर का ही सेम बिल्कुल, बस वो ब्लर परफेक्ट की जगह वो जेल प्राइमर आता है, ठीक है? तो मैंने ये ब्लर वाला लिया है क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद आया। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रिव्यू देख लेते हैं एक बार, तो अच्छा रहता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। सो इसलिए मैंने देखा था तो मुझे ये वाला पसंद आया था, तो मैंने ये वाला मंगाया था अपने लिए, ठीक है? तो ये हमें इसकी MRP मैं आपको बता दे रही हूँ। इसकी MRP पहले तो ये 600 का मिल जाता था जब ये नया आया था तब, बट अभी 750 का हो गया है। तो लेकिन अभी भी कई साइट्स पे डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेस किया है तो वहाँ पे मुझे 436 का मिल गया था, इस समय ये 470 का है अमेज़ॉन पे शायद। लेकिन जब मैंने परचेस किया था तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चला था, 42% ऑफ चला था, तो मैंने ये 436 में लिया था, ठीक है? तो ये इस तरह से मिल जाता है। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देती हूँ कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ फ्लॉलेस प्रोफेशनल मेकअप फिनिश सिल्की ब्लर फॉर्मूला इंस्टेंटली ब्राइटनेस प्राइम्स सॉफ्टनेस ब्लेमिशेस एंड पोर्स एंड क्रिएट अ स्मूथ स्किन सरफेस टू प्रिपेयर योर मेकअप एप्लीकेशन मेकअप ग्लाइड्स ऑन एफर्टलेसली एंड ब्लेंड्स शेमलेसली
फॉर अ मोर वाइब्रेंट कलर ट्रू फिनिश द परफेक्ट कैनवास फॉर मेकअप ओवर एलोन ओवर यू मॉइस्चराइजर फॉर इंस्टेंट स्मूथनेस एंड रेडियंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको प्राइमर है ये बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस आपको मेकअप करने के लिए आपकी स्किन को तैयार कर देता है। ये बहुत ही परफेक्टली बहुत ही स्मूथली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी अपने मेकअप उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो वो डायरेक्ट आपके स्किन पर सीधे हार्म नहीं करता है आपको, और बहुत ही स्मूथली तरह से आपके स्किन पर ये ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको प्राइमर से मतलब फाउंडेशन से पहले तो सभी लोग इसको लगाते हैं, बट अगर आप चाहो तो इसको अप्लाई करने के बाद आप फाउंडेशन ना भी लगाओ तो भी कोई बात नहीं। अगर आप डे में कहीं जा रहे हो तो आप ओनली मॉइस्चराइज़र एक क्रीम अच्छे से चेहरा क्लीन करके फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करके, और आप ये सिर्फ प्राइमर लगा के भी जा सकते हो। बट अगर आपको किसी शादी पार्टी में जाना है तो ऊपर से आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। So, ये देखिए, ये बेबी पिंक सा कलर है, ये आपको शायद वाइट दिख रहा होगा अभी, बट ये बेबी पिंक सा कलर है और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही आसानी से आपकी स्किन में जो है ब्लेंड हो जाता है। मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, मैंने अभी सिर्फ अपने फेस पर वो लगा रखा है मॉइस्चराइजिंग क्रीम लैक्मे पीच मिल्क, जिसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप चाहो तो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये लगा के दिखाती हूँ। ये पूरा जो ट्यूब है ना ये 30 ग्राम्स का है और 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। आप आराम से 2 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, वेस्ट जाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। 30 ग्राम से अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छा प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको अभी यूज़ करके दिखा रही हूँ, ये कोई ब्रांड की तरफ से नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मैंने ले लिया है, तो मैं इसको अभी आपको फिंगर से अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा हमने चीक्स पर लगा लेंगे, नोज पे, थोड़ा सा यहाँ पे। आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हो, बट उतना ही करो जितना आपकी स्किन पर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से लोग इसमें फाउंडेशन वगैरह भी यूज़ करते हैं, सो बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए कितना स्मूथली ब्लेंड हो जा रहा है और फ्रेगनेंस तो इसकी बहुत ही अच्छी है, माइल्ड सी है, ज़्यादा हार्ड वाली फ्रेगनेंस इसकी नहीं है, अच्छी है। इसको लगाते ही एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है चेहरे पे, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं भी कर रहे हो ना तो आप अपने फिंगर से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया और अच्छी सी एक शाइन भी आ रही है ना। इसको लगाने से आपके पोर्स वगैरह सब अच्छे से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस आ जाती है आपकी स्किन पे, बहुत अच्छी सॉफ्टनेस देता है। आप समर्स में इसको ज़रूर ट्राई करो, जब बारिश वगैरह वाला सीजन होता है ना, जब हमारी स्किन थोड़ी चिपचिप होने लगती है, उस समय आप इसको ज़रूर यूज़ करो, आपके स्किन पर बहुत अच्छा ये इफेक्ट देगा। ठीक है, और टीनेजर गर्ल्स ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, इसको क्या ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स वैसे भी नहीं यूज़ करना चाहिए टीनेजर गर्ल्स को, मतलब वो थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि है तो ये केमिकल बेस्ड ही, सारे प्रोडक्ट्स जो इतने मेकअप प्रोडक्ट्स ज़्यादातर आते हैं केमिकल बेस्ड ही आते हैं, तो आप लोग ना ही यूज़ करो। आप 20+ हो या 25+ हो, तो 25+ हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब 23-24 यूज़ कर ही सकते हो, मैं भी तो यूज़ कर ही रही हूँ, सो आप भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो या फिर आप नॉर्मली अगर यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली ये भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन लगाने के ऊपर से कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, अच्छे सा एक ग्लो ला देता है, आपके पोर्स वगैरह अच्छे से ये मेकअप के लिए रेडी कर देता है, कि आपके डायरेक्ट कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हो डायरेक्टली कोई भी आपके स्किन पर हार्म नहीं करेगा। ठीक है, प्राइमर का काम ये होता है, ये क्या कोई भी प्राइमर यही काम करता है कि आपकी स्किन को अच्छे से वो मेकअप के लिए रेडी कर देता है, डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट आपके स्किन के अंदर नहीं जा पाता है। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छे से यूज़ करके और
उसके बाद कोई भी प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हुआ लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर का रिव्यू। आई थिंक कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, बट अगर कुछ मुझसे रह गया हो, बिकॉज मैं अभी बिगिनर ही हूँ यूट्यूब पर वीडियो बनाने में, बिगिनर इन द सेंस कि मैंने अभी मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना जल्दी में ही स्टार्ट किया है, सो अभी हो सकता है कि मुझसे थोड़ी बहुत कमी रह जा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप मुझसे, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर नेक्स्ट रिव्यू आपको किस चीज़ का चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करने का। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होता है ना, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड बेल आइकन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी जल्दी से हिट कर दो ताकि मेरी आने वाली सारी नए वीडियोज़ जल्दी से आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।